बीजेपी सरकार की नीतियों का हवाला देती हुई कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बुधवार को ग्वालियर पहुंची। जन आक्रोश यात्रा का पार्टी के नेताओं और शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। यात्रा में ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह का स्वागत किया गया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। लोगों ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को ठुकराया है और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को समर्थन दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है, महिलाएं पर अत्याचार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, किसानों को फसलों का मूल्य नहीं मिलना, जो मोदी जी ने समझौता किया था किसानों के साथ दुगनी करने का, जो शर्तें मानी थी समझौते में वो सरकारों को ठुकरा दिया है। किसान की उपयोग में आने वाली वस्तुएं खाद बीज और कृषि यंत्र महंगे कर दी है कि किसान की कमर टूट गई है। इसके साथ ही साथ GST लागू करने से छोटे व्यापारी दुकानदार परेशान है, आज हर वर्ग परेशान है, इसलिए उनकी नाराजगी है और उनकी नाराजगी की मांग पर ये कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली।